अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान में जबलपुर की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चेरीताल के एक मकान में दबिश देकर अंग्रेजी शराब की 6 पेटियां बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि सनी साहू शराब की यह खेप लॉकडाउन के दिन बेचने के मकसद से लाया था। बरामद हुई शराब की कीमत जहां करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कल रात के समय इलाका भ्रमण करने के दौरान बलदेवबाग चौराहे पर मुखबिर ने सूचना दिया कि सनी उर्फ आशीष साहू पिता अनिल साहू निवासी पारिजात बिल्डिंग के पीछे चेरीताल ने अपने घर के अंदर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब स्टोर कर रखी है, जो लॉकडाउन के समय शराब का विक्रय करने की योजना है। इस सूचना की तस्दीक की गई, आरोपी के घर में रेड किया गया। आरोपी अपने घर पर अंग्रेजी शराब लिए हुए मिला। घर की तलाश लेने पर 6 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें बैग पाइपर 8 PM रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब जब्त हुई है। आरोपी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण धारा 34(2) का पंज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कार्रवाई में हमारे थाने का स्टाफ आरक्षक अरविंद सावनी मिश्रा जी, उप निरीक्षक नरेश झारिया। लगभग कितने की लागत की शराब हुई है? ये शराब लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये कीमत की शराब है। कैसे लाया था ये शराब, कहाँ से शराब हुई है? इस संबंध में आरोपी से पूछताछ की गई है। रात में उसने बब्बू कोष्ठ निवासी बधैया मोहल्ला से ये शराब खरीदना बताया है। इस संबंध में अभी और पूछताछ की जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। संडे को कैसे? जी हाँ, संडे लॉकडाउन, चूँकि आज शराब की दुकानें ही बंद है, स्वाभाविक रूप से आज के यही शराब विक्रय करने के लिए रखी थी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।